प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रताश गुप्ता पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके सामने कविता पाठ करने के लिए। मेरा ये पांडुलिपि है और इसका मैंने इसमें 104 कविताएं हैं जो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में 15 साल में लिखी हैं। और मैंने इस कविता संग्रह का शीर्षक दिया है भारत और भारती तेरे सद्गुण हजारों। भारत और भारती तेरे सद्गुण हजारों। अब देखिए वो भारती जो भारत में रहता है वो फौज में भर्ती होने के बारे में क्या कहता है। देखिए पहला, भारत की सेना में भर्ती होते वेतन भोगी बनने को भारत की सेना में भर्ती होते वेतन भोगी बनने को भारत पर ही मर मिट जाते जय हिंद करते करते अमर शहीद कहलाने को। भाई कमाल की कविता है। भारत की सेना में भर्ती होते वेतन भोगी बनने को भारत पर ही मर मिट जाते जय हिंद करते करते अमर शहीद कहलाने को। दूसरा, सेना में भर्ती होते ही जीवन सपना सफल हो जाता गांव आड़ पड़ोस रिश्तेदारी में परिवार का दबदबा बन जाता। तीसरा, फौज में सेवारत होना एक कठिन चुनौती है लाखों हैं अभ्यर्थी होते कुछ ही का चयन हो पाता है। चौथा, घर पर भी जीवन कोई आसान नहीं था थोड़ी जमीन बहुतेरे बहन भाई बहुत बड़ा परिवार था। घर पर भी जीवन कोई आसान नहीं था थोड़ी जमीन बहुतेरे बहन भाई बहुत बड़ा परिवार था। ऐसे में यह जीवन एक सघन संघर्ष ही रहता आजीवन तक पर जो है फौजी बन जाता नौकरी भी होती वेतन भी होता है परिवार का मुकद्दर बदल जाता। पांचवा, पिता को आमदनी का एक प्रबल सहारा मिल जाता है पर माँ बहन की आंखों का तारा है जब पर तारा उनको बहुत दुख होता है जब वो परदेश चला जाता है। जब 2 महीने छुट्टी आता 60 दिन का वक्त 1 दिन में गुजार जाता फिर वही जुदाई धर्मपत्नी की रूह आत्मा आंखों में पानी भर लाती है। ये बूंद बूंद पानी सूख जाता और शोक लेता है सुख चैन सब और सब कुछ इसका भाव बन करके उड़ जाता है। धन्यवाद।